जय हिंद दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन को चूज करने में। तो आज की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी कि आपको जब भी आप किसी मोबाइल को परचेस करते हो तो क्या अपने दिमाग में रखना चाहिए, किन किन चीजों के ऊपर आपको मोबाइल को कंपेयर करना चाहिए जब भी आप किसी मोबाइल फोन को खरीद रहे हैं। यह समय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर महीने किसी ना किसी कंपनी के मोबाइल फोन लॉन्च होते हैं और किसी मोबाइल में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंजेस या फिर कह सकते हो कैमरे की मेगापिक्सल में चेंजेस करके मोबाइल कंपनीज अपने मोबाइल फोन को लॉन्च कर देती है। तो ऐसे में बहुत ही हार्ड हो जाता है यूजर्स के लिए किसी अच्छे स्मार्टफोन को चूज करना। तो आज की वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी अपने चीजों को डिसाइड करने में, चूज करने में, देन बाय करने में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जयंत व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो तरह के यूजर्स हैं आज के जनरेशन में। अगर मोबाइल फोन बाय कर रहे हो तो दो तरह के लोग हैं। एक तो सिर्फ उन्हें मोबाइल फोन चाहिए कि अपनी बेसिक नीड की एसेसिटी को हम पूरा कर सके और एक दूसरे से बातें कर सके, थोड़ा बहुत व्हाट्सअप कर लें। और दूसरे हैं गेमर, जो कि गेमिंग करने के लिए मोबाइल फोन को लेना चाहते हैं, पबजी जैसे मोबाइल गेम्स को खेलना चाहते हैं और वो हर एक चीजों को देखकर मोबाइल फोन को लेते हैं। लेकिन जो पहले वाले यूजर्स हैं वो नहीं देखते और अक्सर उनको 4-5 महीने के यूज के बाद फोन में हैंग होना या फिर स्लो हो जाना मोबाइल का, इन सब चीजों को फेस करना पड़ जाता है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपके ये जो प्रोसेस की जो इश्यूज है, लाइक मैं कैसे फोन खरीदूं, मेरा बजट तो सिर्फ 15,000 का है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सॉल्व हो जाएगा और काफी कुछ आपकी हेल्प इसमें हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, एंजॉय करिए और जो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो जो प्रोसेस बता रहा हूँ, यानी कि जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ कंपैरिजन का, आप फोन खरीदने से पहले उसे जरूर अपने चीजों पे अप्लाई करें। तो एज यूजुअल आप सभी लोगों के लिए मैंने पॉइंट्स को लिख लिया है अपने नोटपैड में और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपसे आज बातें करूंगा। कई सारे एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि जो कंपनीज हैं जो कि मोबाइल फोन्स को डेवलप कर रही हैं, बना रही हैं, वो लोग के बीच में एक एमपी वॉर छिड़ गया है। एमपी वॉर आपको समझ में आया? एमपी वॉर का मतलब हो गया मेगापिक्सल का वॉर, कि मेरे पास इससे ज्यादा मेगापिक्सल है। पहले 4 कैमरे वाले 6 कैमरे वाले मोबाइल फोन अब आ गए मार्केट में, तो भैया आप कैसे बचोगे? आखिर आपको मोबाइल फोन चाहिए या फिर एक डीएसएलआर को आप देख रहे हो, तो दिमाग में कई चीजों को रखना पड़ेगा जब आप अपने लिए फोन को बाय कर रहे हो। क्योंकि शुरुआत के पहले दिन या पहले महीने तक सारे फोन अच्छे चलते हैं, लेकिन जो स्लो होने का प्रोसेस होता है वो पहले महीने के बाद शुरू हो जाता है। धीरे 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 आपका रैम कंजप्शन बढ़ने लगता है, फिर फोन आपके स्लो हो जाते हैं। और जो मैं ये बात बोल रहा हूं, आप में से कई सारे लोग इसे एक्सपीरियंस कर चुके होंगे रियल लाइफ में। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि साल भर के बाद 2-3 महीने के बाद आपके फोन स्लो हो गए, हैंग होने लगे, 2-3 ऐप से ज्यादा चलाने पर फोन लैग होता है, लैगिंग इश्यूज आती हैं, लेकिन उसमें 6 GB का रैम पड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या है इसका रीजन, हर चीज पे हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए जब आप ले रहे हो, और जो मैं दिमाग बोल रहा हूं ना, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिमाग ही एक ऐसा आपका जो पार्ट है बॉडी का, आपको सोचने की क्षमता प्रदान करता है। तो सेम वे आपके मोबाइल फोन के अंदर भी एक पार्ट है जो कि दिमाग की तरह वर्क करता है और उसका नाम है प्रोसेसर। अगर आप किसी भी मोबाइल फोन को खरीद रहे हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो iOS हो, चाहे वो विंडोज तो लगभग अब खत्म ही हो चुका है क्योंकि विंडोज के मोबाइल अब मार्केट में नहीं आ रहे, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि उसके अंदर प्रोसेसर क्या है। और अगर आपको प्रोसेसर के बारे में नहीं पता तो वीडियो को थोड़ा मेरा देखो, समझोगे कि प्रोसेसर का वॉर गेम क्या है। तो प्रोसेसर बेसिकली किसी भी मोबाइल फोन का एक तरह का एक ऐसा हिस्सा है जो कि कंप्लीट सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। यानी कि जो भी आप मोबाइल के अंदर ऑपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेसर, जो कि चीजों को आपकी जो भी आप दबा रहे हो उन सब चीजों को प्रोसेस करके एज ए रिजल्ट आपके सामने दिखा रहा है। तो ऐसे में कौन सा प्रोसेसर बेस्ट हो सकता है आपके लिए, ये कंपैरिजन आपको मैं आज क्विक बता देता हूं। देखो iOS का तो अपना सेपरेट प्रोसेसर आप सभी जानते हो, बायोटेक के नाम से आता है, यानी कि एप्पल A13 बायोनिक अभी आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है, बायोनिक का प्रोसेसर। एप्पल किसी का प्रोसेसर यूज नहीं करता, अपना खुद का यूज करता है, इसीलिए शायद आज भी वो अच्छा है, कल भी अच्छा था और आगे भी रहेगा, ऐसा सबका मानना है। तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर रैंक 1 पे है हर एक मामलों में। अगर आप किसी मोबाइल फोन को देख रहे हो 15,000 से 20,000 की रेंज में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ जाओ। अभी एक क्विक कंपैरिजन दे देता हूं क्या इसमें है। लाइक सपोज करो कि आपने एक सैमसंग का मोबाइल खरीदा, पहले के सैमसंग मोबाइल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे चलते थे, लेकिन अभी जो भी आपका प्रोसेसर आ रहा है वो एक्सिनोस का, उनका खुद का
इन हाउस प्रिपेयर्ड प्रोसेसर है जिनका यूज सैमसंग करता है अपने मोबाइल फोन को बनाने में। आप एक स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर के कैमरे की फोटो लेना और एक एक्सिनोस 990 प्रोसेसर वाले के कैमरे की फोटो लेना, दोनों का अंतर देख के आप खुद ही समझ जाओगे कि प्रोसेसर का काम क्या है। तो अगर आप हाई एंड में मोबाइल देख रहे हो तो स्नैपड्रैगन 865, 900 ये सब अच्छे प्रोसेसर्स में आते हैं, एक्सिनोस के प्रोसेसर भी अच्छे आते हैं, लेकिन नंबर वन पे स्नैपड्रैगन नो डाउट हर मामलों में बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर आप वहीं मिड रेंज मोबाइल फोन्स को देख रहे हो दोस्तों, तो मिड रेंज के लिए आपके लिए स्नैपड्रैगन 730, 730G, मोटो G30 का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें 730G लगा हुआ था, आपने देखा था 675 पे। और एक साथ में एक और भी आया हुआ है, दैट इज मीडियाटेक का हीलियो प्रोसेसर, जो कि नो डाउट अच्छा चल रहा है लेकिन उतना कंपेरेबल नहीं है इन सबके रेंज में स्नैपड्रैगन। लेकिन आप अगर 10,000 के अंदर में मोबाइल देख रहे हो तो फिर आप मीडियाटेक का हीलियो प्रोसेसर का मोबाइल ले सकते हो, लेकिन लंबा चलेगा इसका कोई अनुमान आप अपने अंदर मत रखना। तो G90T आपका हीलियो का अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो तो फोन उसके अंदर भी ले सकते हो। लेकिन अगर मेरा एक्सपर्ट का एक एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो स्नैपड्रैगन के मोबाइल अक्सर अच्छे होते हैं, तो आप स्नैपड्रैगन के साथ आंख बंद कर जाओ, आपको इसमें निराशा देखने को नहीं मिलेगी। अब जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट माना जाता है मोबाइल का, वो है रैम, यानी कि जो मेमोरी है उसकी कितनी, उसके पास इन होल्ड मेमोरी है उस प्रोसेस को करने के लिए। तो वो रैम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल जो रैम का जो वॉर चल रहा है, दैट इज 6GB, 8GB, 12GB, ये सब काफी अभी मॉडरेट आपके चल रहे हैं जिनको आप ले सकते हैं। ज्यादातर मोबाइल फोन 6GB रैम के साथ आ रही है, कुछ कुछ ऐसे मोबाइल हैं जो 30,000 से अबव हैं लेकिन उनके अंदर 12GB तक का रैम लगा हुआ है। तो जितना अच्छा रैम होगा आपको उतने अच्छे प्रोसेस देखने को मिलेंगी, डिपेंड करता है प्रोसेसर कैसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐप चल रहे हैं 3-4 मोबाइल के अंदर लेकिन उसका जो रैम कंजप्शन आप चेक करोगे तो 4 से 4.5 GB खा गया है। तो प्रोसेसर कैसा है, किस हिसाब से जीपीयू सेट उसके अंदर लगा हुआ है, कितनी प्रोसेसिंग को खाता है, वो भी बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है आपके मोबाइल को स्लो करने का। तो आप अगर किसी अन्य प्रोसेसर का लेते हो मोबाइल तो हो सकता है कि प्रोसेसिंग में वो ज्यादा मेमोरी कंजप्ट कर रहा हो और उसके रिजल्ट में आपके अंदर रैम बची ना रहा हो कि आपका फोन सही से स्मूथली ऑपरेट कर सके। तो ऐसे में आप हमेशा ध्यान रखो कि प्रोसेसर नंबर वन अच्छा हो, साथ में मिनिमम 4GB की रैम हो, और अगर 6GB है तो एवरेजली बहुत ही अच्छा मोबाइल आपका चलेगा, 6GB रैम तक आप मोबाइल को देख सकते हो, अच्छा चलेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मैंने आपको बताया दो, एंड्रॉयड और iOS। iOS लेते हो तो आंख बंद कर करके आप यूज करो, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर एंड्रॉयड में आ रहे हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड में इन सब फैक्टर्स को जो मैंने आपको भी बताया ध्यान में रखना चाहिए, तभी आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए, नहीं तो फिर आप आगे चलकर दिक्कत में फंसोगे आपकी हार्ड एंड मनी। चौथा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी मोबाइल फोन को खरीदते हो, दैट इज प्रिफर्ड यूजर इंटरफेस, यानी कि UI, यानी कि आप जो भी मोबाइल फोन्स खरीदते हो वो अपने UI के साथ आती है, जिसमें अगर आप Xiaomi यूज की होगी यानी Redmi के मोबाइल तो MIUI के ऊपर वर्क करता है, लेकिन वही अगर आप OnePlus की मोबाइल्स को यूज किए होंगे तो OneUI के ऊपर ये वर्क करता है। साथ में Realme और Oppo की बात कर ले तो ये सारे के सारे iOS से ज्यादा इंस्पायर्ड लगते हैं, उसको देखने का आपको लगेगा कि iPhone का इंटरफेस आपको देखने का कुछ कुछ कॉपी सा लगेगा। तो UI जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जस्ट आफ्टर योर मेमोरी और रैम। जब भी आप मेमोरी रैम चूज कर लो तो देख लो कि उसका यूजर इंटरफेस कैसा है, UI कैसा है, कहीं उसमें लैगिंग तो नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास कितना भी अच्छा प्रोसेसर हो, कितने भी अच्छे आपके मेमोरी हो, लेकिन अगर UI अच्छा नहीं है, उसका कंजप्शन अच्छा नहीं दिया गया है, तो आपका फोन लैग होगा, उसके अंदर हैंग करेगा। अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच कर रहे हो तो वो स्विच होने में थोड़ा सा समय लेगा, या फिर हो सकता है हैंग हो जाए, क्रैश हो जाए आपका मोबाइल। दैट्स ऑल डन ड्यू टू द UI इंटरफेस। तो आप जब भी मोबाइल फोन को लो तो UI इंटरफेस को देखो कि उसका UI इंटरफेस सच में अच्छा हो। अब जो पांचवा पॉइंट है, दैट इज गुड डिस्प्ले। आपका डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए। डिस्प्ले भी तीन तरह के आते हैं आपके, IPS, LCD और साथ में अमोल्ड डिस्प्ले, जिसमें अमोल्ड में भी एक सब कैटेगराइज कर दिया, सुपर अमोल्ड डिस्प्ले, जो कि सैमसंग लेकर आता है। तो सैमसंग के मोबाइल ज्यादातर आपको अमोल्ड डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलेंगे, थोड़े महंगे आते हैं। अगर आपका फोन गिर जाता है तो बनवाने का जो कॉस्ट है वो ज्यादा महंगा आएगा, क्योंकि इन मोबाइल डिस्प्ले होता है उसके अंदर अलग से नहीं लगा होता है, तो वो सारा का सारा पार्ट आपका चेंज होता है। इस वजह से आपकी जो सुपर अमोल्ड डिस्प्ले होती है वो थोड़ी महंगी आती है एज कम्पेयर टू IPS और LCD डिस्प्ले। LCD तो मान लो अब नहीं आती है, अब ज्यादातर आपको IPS देखने को मिलेगी या फिर अमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो आप
एक ट्रू टोन देखना चाहते हो तब तो आप सुपर अमोल्ड के साथ जाओ, लाल को एक्स्ट्रा लाल दिखाएगा, हरे को एक्स्ट्रा हरा दिखाएगा। लेकिन अगर आप आईपीएस लेते हो तो थोड़ा सा उसमें कलर और अमोल्ड डिस्प्ले वाले कलर में थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। आपको अमोल्ड वाला अट्रैक्टिव लगेगा लेकिन आईपीएस वाला नहीं लगेगा। लेकिन अगर आईपीएस गिर के टूट जाता है तो एज कम्पेयर टू अमोल्ड सस्ते में वो बन जाता है, ठीक है।